Press the bell icon and never miss an update from Telly Masala. मुझे बहुत अच्छा लगा एकदम हैवी साउथ इंडियन एक्सेंट में बात करके. हालांकि वो एक ही सीन जाता है बट इट्स लवली एंड इट वॉज एन अमेजिंग एक्सपीरियंस. एंड मैंने नामकरण में जितना भी थोड़ा सा काम किया है उसमें 3 रोल कर दिए तो मुझे मतलब बहुत मज़ा आया. एंड आई होप कि आपको भी देखने में उतना ही मज़ा आए. नामकरण और काफ़ी पॉपुलर शो है तो ये ट्रैक भी आप पसंद करें. वैसे परोसन फिल्म से कितना ज़्यादा इंस्पायर हुई है, मतलब क्या क्या वहाँ से चुराया है. वो मुझे बहुत अच्छा लगता है, अच्छी लगती है फिल्म. उसमें सायरा बानू जी एंड सुनील दत्त साहब, बाकी सारे एक्टर्स, मुकरी जी एंड यू नो एवरीवन, प्लस ऑफकोर्स महमूद साहब, तो ये सबकी जो टाइमिंग है और वो फिल्म ही मुझे बहुत पसंद है. तो जब साउथ इंडियन का किरदार मुझे मिला तो जब मुझे स्क्रिप्ट मिली तो वो नॉर्मल हिंदी में लिखी हुई थी तो मैंने सोचा इसमें तो उन्होंने मुझे बोला हुआ है कि इसको साउथ इंडियन के तरीके से बोलना है तो मैं भी कैसे बोलूँ. प्रैक्टिस कर रही थी, बीच बीच में मैं अयो अयो डाल रही थी. मैंने कहा अयो बोलने से कुछ काम नहीं हो रहा, मुझे प्रॉपर इसको बोलना पड़ेगा वैसे. तो मैंने फिर यूट्यूब पर जाके उनके महमूद साहब के कुछ वीडियोज़ देखे और फिर मैंने थोड़ी सी प्रैक्टिस की कि वो कैसा बोल रहे हैं. फिर मैंने सोचा कि इसका 0.2, 0.1% भी अगर मैंने कर लिया तो शायद मेरा सीन निकल जाएगा ठीक सा थोड़ा. बट हाँ, हमारे डायरेक्टर को भी अच्छा लगा एंड काफ़ी हमारे सेट पे लोग हंस रहे थे जब मैं कर रही थी. तो आई थॉट इट्स सपोज टू बी फनी एंड पीपल आर लाइकिंग इट. आई जस्ट होप वो लोग कुछ और भी मैं नहीं हंस रहे हो कि क्या कर रही है. बट थोड़ा सा मैंने देखा भी तो मुझे लगा हाँ ठीक है, लगेगा अच्छा शायद लोगों को. सो या मज़ा आया करते हुए. अच्छा, एक लाइन कुछ बोल देंगी आप? जैसे कि मैं वो अली जो है उसका कैरेक्टर का नाम विश्वनाथन होता है, मेरा नाम जानकी होता है, तो हम दोनों बहुत लड़ भी रहते हैं सीन में, मतलब सीन के अंदर. तो उसको मैं ऐसे बोलती हूँ, यो विश्वनाथन है तो मुझे चुप रहो जी. तो यू नो वो सब वो अभी तो मुझसे इतना नहीं बोला जा रहा कि न्यूज़ चैनल में थोड़ी सी हो जाती हूँ. लेकिन जब हम परफॉर्म कर रहे थे तो ऑब्वियसली जब आप रोल के अंदर होते हो तो इट इज टू मच फन. चलो, बात अगर 10 दिन की हो या कितने की, आपके रोल को लोगों ने बहुत ज़्यादा पसंद किया है तो उसके लिए क्या किया? आई जस्ट होप पसंद किया हो बिकॉज अभी फ्राइडे को ही मेरा एपिसोड गया एंड अच्छा रिस्पॉन्स तो मिला है, काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिला है. अब इस वीक मेरा ट्रैक आएगा तो ऑब्वियसली आपको पता है हर थर्सडे हमारी किस्मत बदलती है. तो खैर, मैं तो एक कैमियो के लिए आई हूँ तो मुझे अच्छा लगा यहाँ पे काम करके एंड ये रोल भी अच्छा था, ट्रैक भी अच्छा था. एंड आई जस्ट होप कि जो बाकी के मेरे कुछ एपिसोड्स जो बच गए हैं वो लोगों को वो भी पसंद आए. एंड लेट्स सी, हम है ही मुसाफिर, हम यहाँ से वहाँ जाते हैं और अपनी मंडली लेके, हम टोली लेके अपनी शूटिंग करके निकल जाते हैं. तो हर जगह हम बंजारों की तरह जाते हैं, अपना काम करते हैं, बैग पैक करते हैं, देन वी गो टू अनदर सेट, नए लोगों से मिलते हैं, नए लोगों के साथ काम करते हैं. तो या यही हमारी छोटी सी दुनिया है, पर हम और आप तो मिलते ही रहते हैं. तो या इट्स ग्रेट फन. सर, कहीं भी जाए हम रहते हैं साथ में, आपके फैंस हमेशा आपके साथ रहते हैं, उनके लिए क्या? या फैंस साथ में रहते हैं एंड थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर लव, फॉर ऑल योर सपोर्ट. मुझे इतना अच्छा लगता है, आज भी कृष्णदास के कुछ सीन्स निकालते हैं और वो आज भी इंस्टा पे और यू नो सब डाल के हमको टैग करते हैं तो हमें भी हमारी भी पुरानी यादें, पुरानी क्या मतलब वो मेरा पिछला ही शो था बट वो एक यादें ताज़ा हो जाती हैं. देखने मिलते हैं कुछ एपिसोड जो आपने नहीं देखे. तो थैंक्स टू यू ऑल जो आप लोग इतनी मेहनत करके इतने प्यारे प्यारे एडिट्स बनाते हैं, हमारे फोटोग्राफ्स बनाते हैं और इतना प्यार आपने हमारे शोज़ को दिया. कुछ लोग लिखते हैं हमने वो सीरियल दोबारा से देखा, 3 बार देखा, 4 बार देखा, पूरा देखा. तो अच्छा लगता है क्योंकि हम आर्टिस्ट काम इसीलिए करते हैं कि लोगों को एंटरटेन कर सके, लोग सराहें, प्यार करें, अगर कुछ गलतियां हैं तो वो बताएं. सो जब वो रिस्पांस मिलता है तो इट्स अमेजिंग.